Good afternoon friends and welcome back to another interesting video of my channel. In this particular video, I will definitely show you the impact of YouTube on our society. और आज बेसिकली मैं उन यूट्यूबर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनका बैड इन्फ्लुएंस हमारे सोसाइटी के ऊपर पड़ रहा है और पड़ते जा रहा है और सोसाइटी एक अलग दिशा में जाने लगा है. आप इमेजिन नहीं कर सकते कितनी सारी चीज़ें डिस्ट्रॉयड हो चुके हैं हमारे सोसाइटी से. मैं बेसिकली इंडिया की ही बात बोलूँगा क्योंकि मैं हूँ इसी देश का, तो पहले मुझे इसी देश का ही फ़िक्र होना लाजमी है. कुछ यूट्यूबर्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा चिंता करते हैं सोसाइटी के ऊपर. उनका वे ऑफ चेंजिंग द सोसाइटी मुझे तो समझ में नहीं आता. अगर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है. पता नहीं क्यों वो इतना जस्टिफाई करते हैं अपने काम को कि मैं इस तरीके से सोसाइटी को चेंज करना चाहता हूँ, क्योंकि आई एम वेरी रिस्पॉन्सिबल. और हमारा देश भी कैसा है, उसी टाइप के यूट्यूबर्स को अवार्ड देता है, रिवॉर्ड देता है, जजेस वगैरह करके बिठाता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ शोज़ में. मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि मेरे इस वीडियो का कोई भी फ़र्क उन लोगों के ऊपर पड़ता नहीं है, लेकिन ये पर्टिकुलर वीडियो मैं अपने सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स लोगों के लिए बना रहा हूँ. एटलीस्ट थोड़ी सी समझ तो रहनी चाहिए दिमाग में कि क्या कंटेंट बना रहे हो यूट्यूब में और यूट्यूब एक्चुअली बना क्यों है. एक सोशल प्लेटफॉर्म है, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसको हम बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं. तो चलिए हम थोड़ी सी बात करते हैं उन यूट्यूबर्स के बारे में जिनका इंटेंशन मुझे तो पता नहीं क्या है, पता नहीं क्या समझ के वो लोग अपने वीडियोस बनाते हैं. और मुझे तरस आता है उनके फॉलोअर्स के ऊपर जो उन्हें फॉलो करते हैं. मुझे पता है ये वीडियो बनाने के बाद बहुत सारे हेट कॉमेंट्स मेरे कॉमेंट सेक्शन में आ सकते हैं, या फिर कोई अगर सेंसिबली ये सब चीज़ें देखेगा तो उसको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं किसी को रोस्ट नहीं कर रहा हूँ. मैं बस एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें अगर चेंज हो जाए तो सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट 100% पॉजिटिव पड़ना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आज के डेट में वो लोग उस लेवल पे पहुँच चुके हैं कि बहुत सारे लोग उन लोगों को फॉलो कर रहे हैं. तो देखते हैं लेट ना करके मैंने क्या कंटेंट बनाया है उन लोगों के ऊपर. है उन पर्टिकुलर यूट्यूबर्स के बारे में जो लोग समझते हैं कि हम जो भी परोसेंगे वो लोग आराम से ले जा रहे, क्योंकि हमारी पॉपुलैरिटी तो बहुत ज़्यादा हो चुकी है तो हमारे ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए. और एक्चुअली वही हो रहा है क्योंकि उनके फॉलोअर्स की संख्या दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं. बहुत ही अच्छी बात है, आपको इसके लिए मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा. लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं कि बिना स्लैंग वर्ड्स के उनका कॉन्टेंट पूरा होता ही नहीं है. आप समझ रहे होंगे मैं किसकी बात बोल रहा हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट कैरी मिनाती. उनके रोस्टिंग वीडियोस ऐसे अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा लगता है हर किसी को, लेकिन एक चीज़ आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि वो कितना ज़्यादा स्लैंग वर्ड्स यूज़ करते हैं. आपके पास कंटेंट है, आपके पास लग भी रहा है कि नॉलेज इतना है कि आप किसी भी चीज़ को बिना स्लैंग वर्ड यूज़ किए रोस्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप रोस्टिंग करेंगे बाय यूजिंग योर स्लैंग वर्ड्स. तो क्या मुझे बस एक ही सवाल का जवाब दीजिए कि स्लैंग वर्ड यूज़ करने के बाद क्या एक्चुअली वो रोस्टिंग और भी मल्टीप्लाइड हो जाता है, और भी मज़ा लगता है? मज़ा लग सकता है, लेकिन रोस्टिंग विदाउट स्लैंग वर्ड इज़ ऑल्सो पॉसिबल, बिकॉज यू सीम टू बी अ वेरी नॉलेजियस पर्सन एंड यू कैन रोस्ट अ पर्सन विदाउट यूजिंग स्लैंग वर्ड्स. बस ठीक से डिस्क्राइब करना है क्या क्या एक्टिविटीज़ वो करते हैं. और अगर और कोई है जो कि कॉमेडी कंटेंट्स वगैरह बनाते हैं, जैसे कि आशीष चंचलानी, बहुत ही अच्छी एक्टिंग स्किल है उनकी, उनका टीम भी बहुत अच्छा काम कर रहा है. लेकिन मेरा सवाल यह है कि आप इतना खराब खराब वर्ड्स और खराब खराब जो सिंबलाइजेशन करते हैं बीच बीच में, वो करना क्या ज़्यादा ज़रूरी होता है? आपके कॉन्टेंट्स में दम रहता है बहुत ज़्यादा, लेकिन इतना ज़्यादा वो जो सब आप यूज़ करते हैं वो स्लैंग वर्ड्स हो गया, नहीं तो कोई अपील हो गया जिससे कि पता चले कि उसी काम को बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस दिए हैं अपने वीडियोस में, उसमें कोई दोराय नहीं है. मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन स्लैंग वर्ड्स उनका भी आता है. फिर आता है भुवन बाम का, वो भी अपने वीडियोस में जो सिंगल वीडियोस बनाते हैं, जो कि कमेंडेबल है, रियली दिस इज़ क्वाइट कमेंडेबल, क्योंकि अकेला पूरे सारे कैरेक्टर्स निभाना इतना इजी नहीं रहता एक एक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से. तो फिर भी आप भी यूज़ करते हैं स्लैंग वर्ड्स और बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, उससे क्या होता है एक मैसेज जाता है. सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है आजकल हर कोई देख रहा है, बच्चे देख रहे हैं, अडल्ट देख रहे हैं, यंग बंदे देख रहे हैं, बूढ़े
जो ओल्ड एज के हैं वो भी देख रहे हैं, तो क्या इम्पैक्ट पड़ रहे हैं उन लोगों के ऊपर? मतलब अगर गाली दे रहे हो तो यू आर क्वाइट कूल, क्योंकि वो जिनको फॉलो कर रहे हैं वो तो गाली दे रहे हैं, तो वो कोई बड़ी बात नहीं. इट्स क्वाइट सिंपल टू अब्यूज समवन एंड देन मेक इट कूल एंड थिंक लाइक आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड. इट्स नॉट एब्सोल्युटली बिग. और एक वीडियो मैंने देखा है, और एक यूट्यूबर को, या भाई जोगिंदर, थारा भाई जोगिंदर, मुझे पता नहीं वो क्यों वीडियोस बनाते हैं. मैंने सुना है कोई कोई सोशल वर्क वो करते हैं, बहुत अच्छी बात है. अच्छे कंटेंट्स डालिए यार, एजुकेशनल कंटेंट डालिए. कॉमेडी कर रहे हैं तो उसमें क्या ज़रूरी है? जैसे कि अमित भड़ाना सर हैं, वो कॉमेडी वीडियोस डालते हैं और कॉमेडी वीडियोस में स्लैंग वर्ड्स यूज़ नहीं करते. एक लिमिट होता है, उस लिमिट को क्रॉस नहीं करते. उससे क्या होता है कि हर एज के और हर एक इंसान उनका जो वीडियो है उसको वो एंजॉय कर सकता है. अगर एंटरटेनमेंट ही आप लोग दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे एंटरटेनमेंट्स दें जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्लैंग वर्ड्स यूज़ किया गया. या जस्ट यूजिंग फिल्दी लैंग्वेजेस विच आर नॉट एक्सेप्टेबल फॉर ए सोसाइटी. सो फॉर दिस रीज़न यू आर एक्चुअली डिस्ट्रॉइंग द सोसाइटी बाई योर वर्ड्स. आप अपना काम बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं. जिनका भी नाम अभी तक मैंने लिया है, मैंने सुना है कैरी मिनाती सर हो गए, या फिर ये जो थारा भाई जोगिंदर हो गए, ये सब चैरिटी करते हैं. तो चैरिटी करना बहुत ही बेहतरीन बात होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एक प्लेटफॉर्म में बैठ गए हो और आप एक प्लेटफॉर्म में बैठ के ऐसे वर्ड्स यूज़ करो जिसका पूरा इम्पैक्ट पड़े हमारे सोसाइटी के बच्चों के ऊपर. बेसिकली बच्चों के ऊपर मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आजकल बच्चे भी यूट्यूब बहुत ज़्यादा देखने लगे हैं. मैं एक टीचर हूँ, मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है, कोई बात अगर टीचर ठीक से समझा नहीं पा रहे हैं बच्चों को, तो बच्चे जाके माता से या पिता से मोबाइल मांगेंगे और यूट्यूब ऑन करके वही वाला चैप्टर देखेंगे. अगर उस समय आपका कोई थंबनेल आ गया और उनको इंटरेस्ट आ गया उसमें, और वो क्लिक करके देखेंगे और सिर्फ स्लैंग वर्ड्स ही देखें, तो उस टाइम पे वो हंसेंगे, ज़रूर हंसेंगे. क्योंकि ऐसे आप बोलते हैं फ्लो करके जिससे हंसी आए, लेकिन थोड़ा सोचिए वो जो वर्ड है वो उसको कूल नहीं लेना स्टार्ट करते, क्योंकि ऐसे ऐसे वर्ड्स आप लोग बोलते हैं जो वर्ड्स एक्चुअली सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए. और एक यूट्यूब चैनल मैंने देखा है, वो भी एक ग्रुप है असिस्टेंस लानी की तरह, द ग्रुप्स नेम इज़ राउंड टू हेल. उनका कोई भी कंटेंट बिना गाली से होता ही नहीं है, उनका गाली रहेगा ही रहेगा. एक ऐसा टाइप का माहौल क्रिएट कर देंगे जैसे कि गाली हर कोई दे रहा होगा. यार मुझे लगता है डायलॉग्स नहीं लिखते, उनके स्क्रिप्टिंग में डायलॉग्स कम रहते हैं, गालियाँ ज़्यादा रहती है. सही है या नहीं आप एक बार चेक कीजिए, फिर बोलिए मुझे. मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग कोई गलत काम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, लेकिन वाई स्लैंग वर्ड्स. और अब मैं जिनके बारे में बोलने वाला हूँ वो तो पूरा ब्रांड है, इन सब चीज़ के ब्रांड है. एल्विस भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? उन्हीं के बारे में बोलने वाला हूँ. तो बंदा सही है, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है. मैं उसका फ़ैन या फॉलोअर कुछ हूँ नहीं, बस उसके वीडियोस देखता हूँ मैं. और उसके जो एक्टिंग वाले वीडियोस हैं वो क्या किस टॉपिक पे कर रहे हो यार? एक स्कूल के अंदर दिखा देगा मैडम और स्टूडेंट के बीच में प्यार चल रहा है, ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज़ करेंगे उसके वीडियोज़ में. आप थोड़ा जाके देखेंगे, बेसिकली आपको शिक्षा मिलेगी मारा मारी के ऊपर, बेसिकली आपको शिक्षा मिलेगी तोड़ दूंगा फोड़ दूंगा, या फिर सेक्सुअल टॉक्स, ये सारी चीज़ें, ये सारे कंटेंट्स आपको मिल जाएंगे वहाँ पे. वो वन इन, वो ऑलराउंडर है, वो ये सब चीज़ें देने में इन सब से भी बहुत आगे है. और उसके फॉलोअर्स बहुत सारे हैं, मुझे तो तरस आता है उन लोगों के ऊपर कि कैसे यार, मतलब स्लैंग वर्ड्स को यूज़ कर रहा है. और कंट्रोवर्शियल भी है, रिसेंटली उसको पकड़ा गया, पुलिस ने पकड़ा है उसे. उसके ऊपर मैं नहीं जा रहा हूँ. मैं पर्टिकुलरली जिस वीडियो को जिसके लिए बनाया हुई है वो मैं बोलने वाला हूँ. मेरा वीडियो नहीं है एल्विस यादव के ऊपर, मेरा वीडियो है सिर्फ उन यूट्यूबर्स के ऊपर जो जनरेशन्स को गलत दिशा में ले रहे हैं, या फिर सब काम सही करो थोड़ा सा गलत कर दो तो भी उसको गलत ही बोला जाता है. आप चाहिए रोस्टिंग कीजिए, या फिर आप कॉमेडी कीजिए, या फिर कोई मोटिवेशन दीजिए, या फिर आप इन्फ्लुएंस कीजिए, या फिर आप ट्रेडिंग के ऊपर कोई वीडियो बनाइए, या फिर एजुकेशन के ऊपर वीडियो बनाए. आप खुद बोलिए क्यों स्लैंग वर्ड्स आप यूज़ करेंगे. स्लैंग वर्ड्स यूज़ करना क्या सही होता है?
स्लैंग वर्ड्स यूज़ करना अगर सच में सही होता है तो स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, इंस्टीट्यूट्स में क्या ये ऐसा हो सकता है कोई टीचर बच्चे को अगर डांटना है तो स्लैंग वर्ड से डांट लेगा? अगर स्कूल्स और फैमिलीज़ में ये एक्सेप्टेबल नहीं है तो हाउ कैन यू स्प्रेड द सेम थिंग इन द सोशल मीडिया? और आपके फॉलोअर्स बहुत सारे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको लाइसेंस मिल जाता है ये सब चीज़ों का। एंटरटेनमेंट बहुत तरीके की होते हैं, अगर एंटरटेनमेंट में आप एजुकेशन नहीं दे सकते तो एक चीज़ याद रखिए, उसको ऐसे बर्बाद मत कीजिए। एक सोसाइटी का एक लेबल होता है, उसको हम बर्बाद नहीं करना चाहिए। और ये सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स जो हैं उनमें एक चीज़ तो मैंने देखा है, वो कंट्रोवर्सीज क्रिएट करेंगे, फॉल्स प्रोपोगेंडा क्रिएट करेंगे। ज़्यादातर उनका टॉक होगा पॉलिटिकल, जिसका कोई लॉजिक नहीं होगा। पॉलिटिकल टॉक्स करेंगे लेकिन उसका कोई लॉजिक नहीं होगा, मतलब हाथ पैर नहीं होंगे उसके। रिलीजियन को इन्वॉल्व करेंगे, नॉन एजुकेशनल और इलॉजिकल बातें करेंगे। मैं यूट्यूबर्स के बाद उन यूट्यूबर्स के बाद बोल रहा हूँ जो लोग बेसिकली बोलते हैं कि मैं मोटिवेट कर रहा हूँ, लेकिन मोटिवेशन का 1% भी नहीं होगा। वायलेंट सेंस डिस्ट्रॉक्ट्स द जेन्युइनिटी ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। वी नो इट वेरी वेल, बट स्टिल इट इज बींग डिस्क्राइब, बींग इट इज गिवन टू ऑल दोज पीपल हु आर इंटरेस्टेड। दे आर सो कॉल्ड फॉलोअर्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रीजन। मुझे बहुत बुरा लगता है यार, ये सब चीज़ें स्प्रेड आउट नहीं होनी चाहिए। वायलेंस हो गया, ये प्रोपोगेंडाज हो गए। जो फैक्ट है उसको अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं, उतना नॉलेज आपके पास अगर है तो उसे वे में रिप्रेजेंट कीजिए। आपका कोई फेवरेट यूट्यूबर होगा जो सही से बोल रहा है किसी चीज़ को, वो एक्सप्लेन कर रहा है अच्छे वर्ड्स यूज़ करके, उससे भी ज़्यादा इन लोगों के हैं सब्सक्राइबर्स। तो इससे ये पता चलता है कि सोसाइटी ऑलरेडी टॉक्सिक है। आप हाँ कीजिए या ना कीजिए, सोसाइटी में टॉक्सिसिटी ऑलरेडी है, और फिर इन लोगों की वीडियोज़ फिर आ जाती है जिसमें और भी टॉक्सिसिटी होती है। और इन लोगों को फॉलो जो करते हैं वो सीरियसली फॉलो करते हैं, मतलब फैंस या फॉलोअर्स नहीं, मैं बोलता हूँ ये लोग डिवोटीज हो जाते हैं इन लोगों के। तो इससे इम्पैक्ट ये पड़ता है कि जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा वो किसी चीज़ को केयर नहीं करेगा, किसी चीज़ को रिस्पेक्ट नहीं करेगा। हर चीज़ को वो सोचेगा कि हाँ यार, गाली देना कूल होता है, इट्स क्वाइट कूल टू अब्यूज समवन एंड देन जस्ट एक्सेप्ट इट। क्या ये सही है? इन द नेम ऑफ एंटरटेनमेंट वो लोग जस्ट डिस्ट्रॉय कर रहे हैं जो सोसाइटी का एक होता है लिमिट, एक बैरियर, एक मैनर्स होता है। अगर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है तो दैट इज़ क्वाइट गुड, आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। आप डिबेट्स कर सकते हैं, आप डिस्कशंस कर सकते हैं, आप लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस दे सकते हैं, आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, आप मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन आप गाली कैसे दे रहे हैं? गाली देना तो एक्सेप्टेबल नहीं है, एब्सोल्युटली नॉट। और मुझे और भी बुरा लगता है कि एजुकेटेड लोग भी इन लोगों को फॉलो करते हैं। देखिए, आपके जो चैरिटी का पोर्शन है वो वाला मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप चैरिटी कर रहे हैं वो बहुत ही महान बात है, बहुत ही अच्छी बात है। चाहे वो 1 रुपये किसी को दे रहे हैं कोई तकलीफ में है, या 5 करोड़ रुपये दे रहे हैं, लेकिन जो चैरिटी होता है वो चैरिटी होता है। मैं उसके फेवर में हूँ, मुझे पता है कैरी मिनाती डिड अ लॉट ऑफ चैरिटीज़, then even Asis Chanchalani also did a lot of charities. If you talk about Joginder, जिसके बारे में बोला मैंने, और एक पुनीत सुपरस्टार है, वो भी वो ऐसे मैड की तरह करते हैं वीडियोस, लेकिन जो पैसा आता है वो पूरा ऑन स्क्रीन दिखाते हैं कि मैं खाना देता हूँ, गरीबों में बांटता हूँ, मंदिर के पास हो गया, रोड के साइड में हो, तो बहुत अच्छी काम है। ये काम सब नहीं कर पाते। और मैं रोस्टिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, आई एम नॉट रोस्टिंग यू ऑल, आई एम जस्ट सेइंग यू इन अ वेरी गुड सेंस एंड विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, सर प्लीज़ चेंज योर कॉन्टेंट्स। ये जो गालियाँ दे रहे हैं ना, ये सारे गालियाँ का जो इम्पैक्ट है वो हमारे चिल्ड्रन, हमारे बच्चे, हमारे फ्यूचर जनरेशन के ऊपर पड़ रहे हैं। कहीं ये होना हो जाए कि वो हर किसी को वो गाली पर एक्सेप्टेबल हो चुका है सोसाइटी में, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, इंस्टीट्यूट्स में। गाली बहुत सारे लोग देते हैं, लेकिन एक जगह होती है, आपने कूल बना दिया है, यूट्यूब में कूल बना दिया है ये जो गाली देने का सिलसिला, ये अच्छी बात नहीं है। तो अगर मेरे ये सजेशंस आप लोगों को अच्छे लगे तो कमेंट्स दीजिए। मुझे पता है बहुत सारे लोग डिसएग्री भी होंगे, लेकिन थोड़ा सा सेंसिबली ये चीज़ अगर सोचेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि यस, इट हैज़ अ सर्टन अमाउंट ऑफ सेंस, दैट्स आई एम सेइंग। थैंक यू सो मच। और फिर से बोलूँगा, इन सारे यूट्यूबर्स जो इन लोगों ने अपने लाइफ में अचीव किया है,
वो शायद मैं भी अपने ज़िंदगी में कभी अचीव नहीं कर पाऊँगा। इनके पास बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं यार। तो वे में अगर अपने भाषा को संजत जिसको बोलते हैं टू कंट्रोल देयर लैंग्वेजेस अपने कंटेंट्स बनाए, और मुझे पूरा यकीन है कि अच्छे कंटेंट में भी व्यू आएंगे, अच्छे भाषा अच्छे लैंग्वेज अच्छा अगर रहेगा कंटेंट तो लोग देखेंगे। सिर्फ गाली अगर देंगे तो आई थिंक लोग तो देखते हैं। व्यू और सब्सक्राइबिंग अगर आपका सिर्फ मोटिव है तो कीजिए, अगर सोसाइटी को आप रिफॉर्म करना चाहते हैं तो प्लीज़ ये सब कंटेंट थोड़ा थोड़ा हटाइए। ये गाली वगैरह एक्चुअली अच्छा नहीं होता, इससे एक अलग टाइप की सोसाइटी का परिचय, अलग टाइप का सोसाइटी क्रिएट होता है जो कि फ्यूचर में हम ही लोगों को प्रॉब्लम में डालेगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी वेरी नाइस डे। जस्ट थिंक इट व्हाट आई हैव सेड।